आपका संविधान फूंक रहे हैं। क्यों बहन जी, जानती है क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने बहुत मुश्किल से हम लोगों को संविधान दिया था, और इसी संविधान को जब नहीं बना था, जब अंग्रेजों का शासन काल था, तब एक समय की मैं आपको बात बताऊं कि बाबा साहब वकालत पढ़ के आए थे, और पहली बार वकील बन करके जब हाई कोर्ट में पहुंचे तो हड़कंप मच गया था। अरे बाप रे बाप, एक थे अछूत पढ़ गया और उनपे इतना पढ़ गया कि वकील हो गए, और वकील हो के आयल वकालत करे खाती पूरा एकदम के कुर्सी अपन संभाला था, कि अपन कागज पत्तर संभाला था, कहीं गलती से छुआ न जाए। इतना बड़ा वकालत के डिग्री अंग्रेजन के समय में बाबा साहब लेके आए उन्होंने, लेकिन पूरे कोर्ट रूम में हालत खराब हो गई थी सबकी, की एक अछूत वकालत पढ़ के आज वकालत करने के लिए आया है। और बाबा साहब वहाँ पर पहुंचे, उस जमाने में हम लोगों के पास कुर्सी बैठने के लिए नहीं होती थी, हम लोगों को अधिकार नहीं था कुर्सी पे बैठने का। इतनी बड़ी डिग्री लेके बाबा साहब वहाँ पर पहुंचे कोर्ट में, तो जज के सामने जज को नमस्ते करते हुए बाबा साहब ने जज से कहा कि जज साहब, मे आई सिट ऑन दी चेयर, यानी क्या मैं कुर्सी पे बैठ सकता हूँ? तो जज ने कहा नो, यू डोंट हैव द राइट टू सिट ऑन दी चेयर, यानी कि तुमको उस पे कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब ने जज से कुछ नहीं कहा, जज से सिर्फ इतना कहा ओके जज साहब, मे आई सिट ऑन दिस अर्थ, दिस इज माई बर्थ राइट, क्या मैं जमीन पे बैठ सकता हूँ? और जमीन पे बैठना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जज ने कहा यस यू कैन सिट ऑन दी अर्थ, तुम जमीन पे बैठ सकते हो। तो बाबा साहब ने जज साहब से क्या कहा? कहा कि जज साहब दिस अर्थ इज माइन, ये जमीन मेरी है, तो प्लीज रिमूव योर चेयर फ्रॉम माय अर्थ, यानी मेरी जमीन पे से, मेरी धरती पे से अपनी कुर्सी हटा लीजिए। कितनी बड़ी बात है बहन जी, ये धरती हमारी है, तो इस धरती पर लगी हुई जो कुर्सियां आप लोगों की है, ये अपनी अपनी कुर्सियां आप लोग हटा लीजिए। आजादी के पहले भारत का संविधान जब नहीं बना था, उस समय भी बाबा साहब ने इतनी दमदारी से अपनी बात जज के सामने रखी कि जज को शर्मिंदा होकर के बाबा साहब के लिए कुर्सी ला करके लगवानी पड़ी, और फिर बाबा साहब ने अपना वकालतनामा फाइल किया। ये मजबूती थी हमारे बाबा साहब की, और उसी मजबूती से बाबा साहब हमको भारत का संविधान दे करके गए, क्योंकि बाबा साहब इस बात को समझते थे कि मेरे लोग गरीब हैं, मेरे लोग अनपढ़ हैं, मेरे लोग पिछड़े हैं, इन लोगों को मजबूती करने के लिए मैं एक दस्तावेज तैयार कर दूं, मैं संविधान तैयार कर दूं। इस संविधान के ताकत देख ला बहनी, कि जौन हमन हरवाही करत रहली, संविधान के बदौलत पढ़े के अधिकार मिलन, हमन पढ़ लिख के डीएम अफसर कलेक्टर बने लगे, जौन अहिर के लड़का भैंस चरावत रहल, कलम के ताकत पौले, उ पढ़ लिख के वो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन गया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के आज प्रधानमंत्री बने का सपना देखलक, जौन नार काटत रहनी बहनी हमन, जौन जमाइनिया कुल नार काटत रहनी, कुल नार काटब छूटल, कुल चाकू छुरी छूटल, और छूट छूट के कलम हम ले ली, चार चार भाई मुख्यमंत्री बन के आज देश के प्रधानमंत्री बने का सपना देखलक। ये ताकत है संविधान के, जौन कुर्मी के लड़का खेत गोड़त रहल, जौन लुहारे के लड़का लोहा पीटत रहल, सुनारे के लड़का सोना पीटत रहल, भोरे के लड़का पानी भरत रहल, कहारे कुम्हारे के लड़का घड़ा बनावत रहल, कुल जाति आधारित धंधा छूट गया रहल, छूट गया ना। आज क्यों पता चली कि तुम्हारे बगल में बैठे वाला मनाई कौन बिरादरी का है, कौन जात का है, ना पता चली। ये ताकत के पर है, ये ताकत हमारे संविधान के, ये ताकत संविधान के है, लेकिन कुछ लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है, शुद्ध भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि परेशान बहुत है, इससे ज्यादा खराब बोल नहीं सकते, नहीं तो और खराब भी बोल सकते। कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है कि कैसे ही हरवाही करत रहने दादा, कैसे कारपेट पे बैठे लग रहे, नार काटत रहनी चमैनिया, कैसे नीत नीत साड़ी लुगा पहन के बैठे लगनी, इनके तो भवही लपेटे के मौका रहल, इनके तो कपड़ा पहने के नाय मिलत रहल, सामा कोदो मिलत रहल, मोट अनाज मिलत रहल, गेहूँ के रोटी खाए के जेके नाय मिलत है, तैयार बैठ के मुर्गा के दावत उड़ावत है, खोसी कटावत है तिलक में, पूरे गहुआ भर के भोज खियावत है, मिर्ची लागत है कुछ लोगन के। कुछ लोग परेशान है कि भैया ये जड़ में का है,
संविधान है, इस संविधान ना हो तो एनन के औकात ना रहल, हैसियत ना रहल हमन के बगले में बैठ के कुर्सी पे बैठ जाए। ई ताकत के बाबा साहेब हमन के दे के गए रहने, लेकिन कुछ लोगन के मिर्ची लगत है और कुछ लोगन सोचत है कि यह संविधान के खत्म कर दिया जाए, जड़ खत्म हो जाए तो कुल खत्म। और ई जड़ के खत्म करे खातिर आज से ई लोग प्लानिंग ना करत है बहनी, ई लोग बहुत पहले से प्लानिंग करत है। समाज के बहनी पांच व्यवस्था होवे ले, समाज के पांच अंग होवेला। कौन कौन अंग है? एक थे राजनीति, दूसरा शिक्षा, तीसरा समाज, चौथा आर्थिक यानी रुपया पैसा, और पांचवा कौन होला? संस्कृति यानी मेला तीज त्योहार। अब देखा ये लोग कैसे हमन के ऊपर साजिश करत रहे। कैसे साजिश कहने? संविधान मिलल, पढ़े के अधिकार मिल गया, पढ़े के अधिकार मिल गया, पढ़े के नहीं रहल, बाबा साहब के स्कूल जाए के नहीं मिलत रहल, स्कूल में जहाँ जूता चप्पल उतारत रहने वहाँ बैठ के बाबा साहब पढ़ाई करत रहने। लेकिन आज हमन के लड़का स्कूल जाला तो कुल इनके धकिया के कहला कि सबसे आगे हम बोल। सही बहनी कहला ना, कहला पानी पिए के नहीं मिलत रहल, आज लड़का कुल इनके धकिया के पहले हैंडपंप चलाई के हम पानी पी, हाँ खाए के नहीं होत रहल, आज भोज खियावत नहीं, कुल अधिकार मिलल तो सबसे पहले सरकार पहले यह शिक्षा के बदौलत एनहन के बुद्धि खुल गई ना कि कुलीन के धकियाए धकियाए के पीछे करत है और खुद अपन आगे चल जाए। कितना समय भयल संविधान लिखले बहनी? 1950 में संविधान लागू हुआ, अब 50 से आज 2019 हो गए भैया, कितना दिन हो गया, कितना दिन हो गए, 70 साल करीब होने जा रहा है, 65 करीब प्लस हो गया ना, 69 साल करीब होने जा रहा है। बहन जी केवल 65 साल भयल संविधान के लागू भैले में, और ये लोग तुरंत साजिश रचे लगने कि इनके पहले खत्म करा, इनके शिक्षा व्यवस्था चौपट करा, इन्हन के पढ़े के अधिकार। ये जो पर्चा बांट रहे बंद करो उसको, ए बाबू पर्चा बांट रहे बंद करो, बंद करो, बाद में बांटिएगा, बाद में बांटिएगा, पीछे जाइए एकदम, सबसे पीछे निकल जाइए पर्चा बांटने वाले, एक भी पर्चा बांटते हुए ना नजर आइए इधर, पर्चा बांटना पीछे से बांटिए एकदम, आगे बिल्कुल नहीं नजर आना, एक भी नहीं नजर आया पर्चा वाला। बहन जी ये लोग तभी से साजिश रचने लगे कि इन्हन के पढ़े के अधिकार मिलकर सबसे पहले इनकी पढ़ाई चौपट करा, कब वो स्कूले जाए के नाम मिलत रहा, सरकारी स्कूल के बदौलत तो हमन डॉक्टर इंजीनियर बन गई ना, हमारे पापा बतावत रहने कि उनके जब टीचर रहल उनके छोटा छोटा मारत रहल और खाए वही के भी स्कूले में उस जमाने पे व्यवस्था ना रहल, भूखा प्यासा रह के साझी के भी बैठ के पढ़ावत रहल इस सरकारी स्कूल में, और हमारा टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ के आज जमाने देखे देखा यहाँ तक ले पहुँच गई नहीं ना। लेकिन सरकार वह समय से प्लानिंग कैले कि पहले इनके शिक्षा व्यवस्था चौपट करा, प्राइवेट स्कूल खोले लगे, छोट छोट प्राइवेट स्कूल नर्सरी स्कूल खुले लगल और सरकारी स्कूल के व्यवस्था चौपट के दिल गल। देखा हमारे मीना मैडम जी यहाँ सरकारी स्कूल में टीचर है, ई और इनका पति दोनों सरकारी स्कूल में टीचर है, ये दोनों जहाँ टीचर है ये बहुत निक से पढ़ावत है, लेकिन बाकी सब जगह तक दूसरे लोग ना पढ़ावत होंगे ना, जौन उनके लड़के जौन वो आदमी लोग पढ़ावत हुई है दूसरे बिरादरी के वो तो ना उतना मन से पढ़ावत हुई है ना। सरकारी व्यवस्था के चौपट कह दिया गया और उसमें ताबूत में कील ठोकले का काम कहले इन मिड डे मील, उसमें खाना लगवा दिया गया। बहनी लड़का के हम पैदा करी ला तब खियावे की जिम्मेदारी हमार रहल ना, आ हमन अनपढ़ रही तब पढ़ावे के जिम्मेदारी सरकार के रहल ना, तो सरकार उलट कर दिले कहले कि लड़का के खियाई ना पढ़ावा, तू स्कूल तू भेजे दे कि लड़का पढ़े जाला, लेकिन स्कूल लड़का कही हमाओ के दे दे हमाओ के दे दे हमाओ के दे दे, वहाँ लाइन लग करके मिड डे मील में लग गए। जे लड़का स्कूल में ऐसे हमाओ के दे दे हमाओ के दे दे हमाओ के दे दे करत है बहनी, ओकर मान सम्मान तो पहले स्टेज पे खत्म हो गया बहनी, पहले स्टेज पे तो ओकर गैरत कुल खत्म हो गया ना, ओकर इज्जत मान सम्मान खत्म होता है ना, उके भिखारी बने के ट्रेनिंग मिलती है ना, स्कूले भेज के हमार ओकर मान सम्मान गिरावे के कोशिश करत, यही सरकार का सबसे बड़ी साजिश रहा, और सरकारी साजिश में पूरी तरीके से सफल हो गए। आज सरकारी स्कूल के लड़का के प्राइवेट स्कूल के लड़का से कहूँगा तुलना ना कर सके।
ना कह सके बहनी। आज जो गरीब के लड़का रहे, गांव के लड़का है वह के लड़का, और जो अपन समाज के लड़का है वह लड़का सरकारी में पढ़े जाला, और जो पैसा वाला है जो वोट मना है उनका लड़का प्राइवेट में पढ़े जाला, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने का तैयारी करता। हमन के लड़का हमहू के देगा, हमहू के देगा। बचपन से भीख मांगे के ट्रेनिंग मिली तो बड़ा होत होत खाली भीखे मांगे खातिर जो है कि हाथ आगे बढ़ी, मान सम्मान खातिर हाथ आगे ना आगे। ये समाज का शैक्षणिक पक्ष जो रहत सरकार एक साजिश करके पूरी तरीके से एक समाप्त कर दे। दूसरा पक्ष रहल राजनीतिक। साहब कांसी राम के मिशन मूवमेंट चलल, एक थे समाज में आदमी भयल होकर नाम रहल कांसी राम। वो कौनो अजूबा आदमी ना रहल, रही आपे के लड़का रहल, आपे के भाई रहल, आपे के बंधु रहल, भैया आपे लोगन के बीच में पैदा भयल रहल। ओके बाबा साहब के बारे में ना पता रहल, आराम से अपन नौकरी करत रहने साहिब कांसी राम। और नौकरी के दौरान एक दिन पता चलल कि बाबा साहेब के जयंती पे छुट्टी ना आये हुए, तो उनके समझ में आया कि काहे ना छुट्टी होता है। तो उनके साथी एक रहने वो उनके समझौने कि महापुरुष के जयंती पे छुट्टी हो के चाहिए। साहेब कांसी राम के समझ में आये और तुरंत वो छुट्टी करो उन्हें अपन नौकरी से इस्तीफा देने। और देखा बहुत बड़ा नौकरी करते थे साहब कांसी राम, डीएम अफसर कलेक्टर के बराबर वैज्ञानिक के नौकरी करत रहने, अपन सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिए। अंतर सगाई हो गए लाल भाई, उनके शादी पंखी हो गई लहर, नौकरी से इस्तीफा दिए और अपन महतारी के चिट्ठी लिखने, अपन माई के चिट्ठी लिखने और कहने उन्हें कि माँ मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, अब मैं कभी घर नहीं आऊंगा, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं अपने नाम पे कोई धन संपत्ति नहीं रखूंगा, मैं कोई गाड़ी बंगला कार नहीं खरीदूंगा, ये बहुजन समाज ही आज के बाद मेरा घर होगा। पांच प्रतिज्ञा लिख के अपन माई के चिट्ठी पोस्ट कर देने। माई के पास चिट्ठी मिलल, माई भागल भागल पंजाब से पूना शहर आई, मुंबई आई, कहने अरे भैया ऐसे का हो गया, लड़का इतना बड़ा नौकरी करत रहा छोड़ दे। माई आई तो देखा है कि लड़का अपन रात दिन एक थे किताब लाई के पढ़त है, रात बीत जाते है भी नहीं उठत, यही था तबको देखते है कि वही किताबिया पढ़त है। हफ्ता भर ले माई देख ली तो माई पूछत यही साहेब कांसी राम से कि कांसी राम तू इन किताबों में ऐसा क्या है जो रात दिन तू ये किताब पढ़ा था हुआ। तो कहत है मान्यवर कांसी राम साहब कि माँ ये किताब साधारण किताब नहीं है, ये किताब मेरे बाबा साहब लिख के गए हैं और इन किताबों में सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं, मैं उस सत्ता की चाबी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ तू टाइम बर्बाद मत कर, मैं घर वापस नहीं आऊंगा, तू जा यहाँ से जा। माँ रोती हुई वहाँ से वापस चली आई, माँ तो चली आई लेकिन बेटा बहुत पक्की प्रतिज्ञा वाला था, बहुत दृढ़ निश्चय वाला बेटा था। चार साल बीत गए बहनी, अपन घर द्वार साहब कांसी राम ना गए, रात रात दिन गांव गांव शहर शहर घूमते थे, भूखे प्यासे रहते थे, ऐसे भूखे प्यासे रहते थे कि उनके साथ में एक तो आमटे आमटे करके उनका एक दोस्त रहने और साथे साथे दोनों जने रोज जाल रहने मीटिंग करे खातिर, एक थे साइकिल रहा दोनों जने के साथे, और राही में रुक के भैया जैसे आप लोग हम लोग को चाय पिलवाए ऐसे साहब कांसी राम आमटे जी के साथ में एक थे होटल पे रुक के चाय पीते थे। तो चाय वाली दुकान उस दिन क्या हुआ कि ना आमटे जी के पास पाँच पैसा रहा और ना तो साहेब कांसी राम के पास एक को पैसा रहा, तो आमटे जी या दोनों लोग साइकिल लेके ऐसे चलत है चाय के दुकान ही आई। आमटे जी साहब कांसी राम के तरफ देखा था कि साहब अपन गाड़ी रोकिए साइकिल रोकिए, लेकिन साहब साइकिल ना रोक रहे। तो आमटे जी सोचने कि साहब कांसी राम के मीट बहुत पसंद रहा, वो सोचने की लागत है कि आज साहब के मीट खाए के मन करत है, तो लागत अगवा वाला होटल को रोकी है। अब आगे वाला होटल जैसे निकल तो आमटे जी फिर साहेब के तरफ देखत है, साहेब वो साइकिल अपन वो होटल पे भी नहीं रोके। तब आमटे जी को समझ में आ गया कि लागत है साहेब के पास पैसा ना है और साहेब के भी लगल कि आमटे चाय नहीं पिलवाया, एक मतलब आमटे के लगे पैसा ना है। भूखे प्यासे रह कर दोनों जनी आए गए अपन कमरा पे और एक एक गिलास पानी पी करके चुप मार के सूत गए। भूखा रह करके आपके और हमारे लिए मिशन मूवमेंट साहब कांसी राम चला रहे थे। और फिर ऐसा संजोग बदल कई बार ऐसा होला कि दुनिया बहुत छोट हो जाएगा,
दुनिया बहुत छोट हो जाले। पंजाब के रोपड़ जिला में साहब कांसीराम का जन्म हुआ था। उसी रोपड़ जिला में एक गांव रहल खवासपुरा। वही खवासपुरा गांव में ऐसा संजोग रहल कि साहब के मीटिंग लग गई। और साहब के मीटिंग लगल तो चारों तरफ हल्ला मच गए। कांसीराम आवत है, कांसीराम आवत है। माई के कान तले खबर पहुंचल, हमार लड़का आवत है भैया मीटिंग करे खातिर। तुरंत उनके पिता हरि सिंह से कहती है कि चलिए चलिए चल के बेटे को मना लाया जाए, बेटा मीटिंग करने के लिए यहाँ आ रहा है। माई के दिल कमजोर होला लेकिन बाप के दिल कठोर होला। बाप ने कहा ना, वो लड़का मेरे लिए मर चुका है, उस लड़के को लाने हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। माँ बेचारी रोती हुई आई मीटिंग में। ऐसे बड़ा मजमा लगा था, बड़ी भीड़ लगी थी। माँ पीछे खड़ी है, भीड़ में देख रही है साहब कांसीराम का भाषण चल रहा है। पीछे माँ रोती जा रही है, रोते रोते देख रही है कि जिस बेटे ने घर छोड़ दिया अपना, उस बेटे को सुनने के लिए आज इतनी सारी जनता, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए। माँ पीछे रो रही है, माँ की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो चल के आगे आ जाए। पूरी मीटिंग खत्म हुई, जब सारे लोग चले गए तो माँ धीरे धीरे चलती हुई आगे आई। और जैसे साहब कांसीराम के सामने पड़ी, माँ चिपट के साहब कांसीराम से रोने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हुई। जो कार्यकर्ता लोग, दो चार छह दस लोग बच गए थे, वो लोग देखे कि कोई औरत आके साहब से चिपट के रो रही है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनको उससे अलग कर दे। साहब भी बता दिए कि ये मेरी माँ है। माँ रोती जा रही है और रोते रोते कह रही है कि चल बेटा घर चल, घर चल, तेरा घर तुझे पुकार रहा है। मेरी तेरी बूढ़ी माँ हो गई है, मुझसे अब रोटी नहीं बनती। चल, जिस लड़की से तेरी शादी तय हुई थी उस लड़की की भी अभी शादी नहीं हुई है। बेटा तू घर चल, तू शादी कर, मेरे लिए बहू लेके आ। मेरे को नाती पोते चाहिए, मुझे घर में खाना बनाने वाली एक बहू मिल जाएगी, मेरा हाथ बटाने वाली एक बहू मिल जाएगी। तो चल बेटा चल, मैं तुझे सेहरा बंधे हुए देखना चाहती हूँ, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ। माँ चिपट के रोती जा रही, रोती जा रही है। लेकिन इतनी पक्के निश्चय वाले हमारे साहब साहब एकदम चुपचाप खड़े। साहब की आंखों से एक आंसू नहीं टपका, ना साहब कोई बिल्कुल मायूस हुए। चुपचाप साहब ने अपनी माँ के सर पे हाथ फेरा और हाथ फेरते हुए बोले कि माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी बहुजन समाज के नाम कुर्बान कर दी है, इस बहुजन समाज के नाम पे काम करते हुए मेरी मौत भी आ जाएगी तो मैं उसी को अपना सेहरा मानूंगा। माँ, माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए। इतना कहते हुए माँ को साहब कांसीराम ने अलग कर दिया। भैया मेरा अनुरोध है कि आप लोग कृपया ताली मत बजाइए, जब आप लोगों से बर्दाश्त ना हो तभी ताली बजाइए। मैं जो बातें आप लोगों से कह रही हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात आप लोगों से कह रही हूँ। मैं ताली बजने कोई नेता नहीं हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। भैया हम चुनाव के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप ताली बजाइए, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। जब ना बर्दाश्त हो तब मैं ताली बजाइए भैया, मैं तो तबले समझ सकता नहीं, कोशिश करा। माँ को अलग किए और माँ से कहे, माँ तू जा, मैंने बहुजन समाज को अपना घर बना लिया। वो साहब कांसीराम जो भूखा प्यासा रहा, वो कांसीराम जो अपनी माँ से दोबारा मिलने के बाद में भी अपने घर नहीं गया, अपनी माँ को रोती हुई माँ को वैसे छोड़ करके चला आया। जो साहब कांसीराम ने ये अपने माँ से कहा कि माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, ये साहब ने किसके लिए मांगा? बहन जी, साहब ने सेहरा नहीं कफन किसके लिए मांगा? हाँ बहन जी, आपने कहा हमारे लिए मांगा, बिल्कुल सही कहा। आपने जवाब नहीं दिया, हमारी बहन ने जवाब दिया। वो कह रही है कि हमारे लिए मांगा, सही बात है भैया, साहब ने सेहरा नहीं कफन हमारे लिए मांगा, और हमारे लिए नहीं भैया, आपके लिए मांगा, आपके लिए मांगा, आपके लिए मांगा, बेटा आपके लिए मांगा, भैया आपके लिए मांगा, आपके लिए मांगा, मेरे लिए साहब कांसीराम ने सेहरा नहीं कफन मांगा। लेकिन हमने बदले में साहब कांसीराम को क्या दिया बताइए? हमने बदले में साहब कांसीराम को क्या दिया? हम यहाँ मीटिंग में बैठ कर सुट्टा लगाएं, हम यहाँ मीटिंग में बैठ करके सुर्ती ठोके, यही तो हम दे रहे हैं। हम खाली चौराहे सट्टी पे रोज सुबह सरकार को बनाए और शाम तक सरकार को गिरा दे और चुपचाप अपने घर चले जाए और बीवी से पूछे कि आज कहाँ बनाए हो खाए, यही तो दे रहे हैं साहब कांसीराम। आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि एक ब्राह्मण कैसे जो है अंदर हमारे घर में घुस गया है और उसी वही ब्राह्मण सब कुछ चौपट कर रहा है। आपके दिमाग में एक कचरा टीवी और मीडिया के द्वारा भर दिया गया है, आप उस कचरे से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। अपनी जिम्मेदारी तो कहीं नहीं कर रहे हैं कि आपने क्या किया साहब कांसीराम के साथ। अरे वो एक आदमी इतना गंदगी फैला रहा है तो आप सारे लोग मिलकर उस गंदगी को साफ क्यों नहीं कर पा रहे हो?
क्योंकि गंदगी हमारे दिमाग में है, उस आदमी में नहीं है, ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो दूसरा पक्ष था सामाजिक, जो इसकी बात करें, समाज आपसे और हमसे मिल करके बन रहा, शिक्षा को चौपट किए, दूसरी तरफ समाज को चौपट किए, भाई को भाई से ये लोग लड़वा दिए। कैसे लड़वा दिए, याद है बहन जी 6 दिसंबर के बाबा साहेब हमके छोड़ के गए लाने ना, 6 दिसंबर 1956 के बाबा साहेब हमके छोड़ के चल गए लाने, बहुत धूमधाम से साहेब कांसीराम के मिशन आंदोलन की वजह से 6 दिसंबर केवल हम और आप नहीं मना रहे थे, हमारे जिला पंचायत भैया आप लोग भी बहुत धूमधाम से साहेब कांसीराम के मिशन मूवमेंट को चलाने लगे थे, आप लोग बहुत तेजी से काम करने लगे, और तब तक इनके समझ में आया ये कैसे अहिर लोग बाबा साहेब के जय जयकार करे लोग, ये कैसे कुर्मी लोग जय जय भीम करे लोग ने, ये कैसे लुहार महार सुनार जय जय भीम करे लोग ने, इनका चुनरी खड़ा हो गई, ये लोग परेशान हो गई ने, इन्हें कहने कि पहले इनके बीच में फूट डाला, इनके फूट डाले खातिर का कहने कि 6 दिसंबर 1992 के अयोध्या में एक मस्जिद रहा, उस मस्जिद के ये लोग तोड़ दे, और तोड़े खातिर का कहने कहने लगे कि नमक रोटी खाएंगे लेकिन मंदिर वही बनाएंगे, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिए, और तोड़ करके क्या कहे कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों तुम लोगों को कहे कि तुम लोग हिंदू हो और तुम लोगों को खतरा मुसलमान लोगों से है, और मुसलमान लोगों की मस्जिद तोड़ोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और बहनी आपके बताई जो मस्जिद तोड़ल गया लाहौल, मस्जिद के तोड़े में पहला हथौड़ा किसने मारा था पता है आपको, उस मस्जिद को तोड़ने में पहला हथौड़ा जिस आदमी ने मारा था उसका नाम था बलबीर, और वो चमार जाति का था, वो कोई ऊंची जाति का नहीं था, आपको हिंदू बना के आपके दिमाग में कचरा डाल के कहा कि आपसे चलिए आप चल के मुसलमानों की मस्जिद तोड़िए, उस मस्जिद पे पहला हथौड़ा बलबीर ने मारा और उसकी वजह से उसको जेल हो गई, 23 साल जेल में रहा बहन जी वो आदमी, जेल में चला गया वो आदमी, उसके पीछे उसके बीवी बच्चों का क्या हुआ पता है उसके 2 बच्चे मर गए, उसकी बीवी तो आदमी जेल में है तो बीवी की कैसी जिंदगी हो रही है जान रहे हैं, 2 बच्चे जैसे तैसे उसकी बीवी जो है मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल पोस रही है, वो जेल से छूट के आया तो वो रोता हुआ कहा कि मेरे जिंदगी का सबसे काला दिन था जो मैंने वहां पे जाकर के मस्जिद पे हथौड़ा मारा, क्योंकि जिन लोगों ने मंदिर बनाने का प्रण लिया, जिन लोगों ने मस्जिद हम लोगों से तोड़वाने के लिए हमको प्रोत्साहित किया, हमको भड़काया, वो लोग तो आज शासन सत्ता में पहुंच गए, लेकिन आपके जैसे हमारे जैसे लोग जो सुट्टाबाज लोग थे, जो सुरती ठोक रहे थे, जो दारू पी करके उनके नशे में चोर थे, जिनको हिंदू बना दिया गया, उनसे मस्जिद तोड़वाने के बाद उनकी कोई खोज खबर नहीं लिया गया। वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो देखिए हमारे कंबर जफर भाई, हमारे अब्बास रिजवी भाई, हमारे बहुत सारे मुसलमान साथी सामने बैठे, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी भैया कि वो बलबीर जिसने मस्जिद को तोड़ने में पहला हथौड़ा चलाया, वो जब भूखों मर रहा था उसको चंदा जोड़ जोड़ करके इन्हीं मुसलमान भाइयों ने उसको अपने पैर पे खड़ा किया कि भैया तुम परेशान नहीं हो, तुमसे जो गलती हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस पैसे से चलो कुछ अपना रोजी रोटी का रोजी पानी का कुछ जुगाड़ करो। उन्हीं मुसलमानों ने उस भाई को अपने पैरों पे खड़ा किया तो मरता क्या ना करता, वो भाई इतना ज्यादा जो है उन लोगों से प्रभावित हुआ कि बाद में उस बलबीर भाई ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और आज उस बलबीर का नाम बलबीर चांद है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इतिहास हमको जानना बहुत जरूरी है। मैं आज वो सारी बातें नहीं करूंगी जो मैं हर जा करके हर जगह बोल रही थी बहन जी, आप लोगों को ये बातें आप लोगों को भी समझनी चाहिए, और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं और कि जो दूसरा हथौड़ा मारने वाला था अशोक मोची नाम का, तीसरा हथौड़ा मारने वाला उसका सुरेश बघेल नाम था, वो भंगी जाति से था, ये सारे लोग जेल में गए, ये सारे लोग भुखमरी के कगार पे है, लेकिन इनके कंधे पे पैर रख करके आज ये लोग शासन सत्ता पे काबिज हो गए। ये काम इन लोगों ने 1992 में क्यों किया बहन जी, जाती है हमारे समाज को तोड़ने के लिए, क्योंकि साहब कांसीराम का मिशन मूवमेंट रात दिन चल रहा था, साहब का नारा चल रहा था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, साहब कांसीराम का नारा चल रहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब ने कहा कि मुसलमान ये बुद्धिस्ट लोग जौन भगवान बुद्ध के माने वाला जौन जैन है पारसी है और जौन लुहार कहार सुनार है धोबी बासी चमार है, ये कुल मिलाए के 85% हुए ने बहनी,
जो जितना 100 में 85 हो वाला हवन के संख्या 85 है और बाबा ठाकुर बनिया के संख्या कितना है 15 100 में 15 तो ई बतावा जेकर संख्या ज्यादा है यानी हमार संख्या ज्यादा है तो राजा केकर होवे के चाहिए हमार लेकिन राजा केकर है 15 के तो गलती केकर गलती केकर हमार 85 के गलती ना गलती अपन अपन बोलती ला तू यहां बैठ के सुटता लगोई बात बारू की बात तो सरकार तो है लोग रब बनाई है का बनी गलत ना तो नहीं की दारू पिए में मत है वहां सरकार संविधान खत्म करे के तैयारी कर रहे है अभी लोग गांव गांव फिर चिल्लाइए कि हमारे ऊपर अत्याचार होता मार बहन बिटिया के इज्जत ना इज्जत समझल जा केकर गलती गलती हमार साहब कांसी राम ने नारा दिया था कि 27% आरक्षण मिल रहा था हमारे पिछड़े समाज के लोगों को भैया ये अहीर कुहार लुहार कुर्मी ये गरेड़िया पार कहार ये कुल 54% है 54 बहनी 100 में जितना 54 हो गए ना उतना ही कुल पिछड़ी जाति के लोग हैं लेकिन इनके खाए के कितना मिलत रहा 27 यानी इनकर संख्या रहल 54 और खाए के कितना मिलत है 27 यानी आधा ना मिलत है आधा ना मिलत है यानी आधा पिछड़ा तो भूखा रह जाइए ना इनके आधा आरक्षण मिलत रहल साहेब कांसी राम का पिसन मूवमेंट हमसे ज्यादा भैया आप लोगों के लिए चल रहा था साहब ने आपके लिए कहा कि हमको जनसंख्या के आधार पे आरक्षण चाहिए वह समय लोग हमने दूसर प्लानिंग करा ये कहां से कांसी राम आई गए कहां से ही लोगन के व्यवस्था परिवर्तन करे के कोशिश करे लोग ले और तुरंत है कहने कि ई मंडल कमीशन के जौन लागू करे के साहेब कांसी राम कोशिश करत है वो मंडल के ऊपर का मंडल का राजनीति शुरू हो गई 1992 में नारा दिया गया कि चल के मंदिर वही अयोध्या में बनाएंगे और हमारे सारे भाई लोगों को सही में लगा कि आप सारे लोग हिंदू हो आप लोग को कार सेवक बना करके ले जा करके वहाँ पे वोट दिया गया आपका संपत्ति छीन लिया गया आपकी शासन सत्ता में भागीदारी छीन ली गई आपका आरक्षण छीन लिया गया आपको भिखारी बना दिया गया लेकिन जब तक हम लोग जगते तबले बहुत देर हो गई था समाज के चौपट कह देने इनकर दूसरी साजिश जो सफल हो गई अहिरे के चमार से लड़ाई खातिर दूसर काम कहने 1993 में गेस्ट हाउस कांड कराए देने वहाँ पे हमार बहनी के मारे के कोशिश कहने कोशिश तो वह लोग कहने लेकिन लड़ावे के काम अहिरे और चमार के बीच में फूट डाल देने और समाज का ताना बाना जौन रहा बिगड़ गया तो राजनीति के तरफ हम आगे बढ़त रही पहली नई गठबंधन के सरकार बनल बही 1993 में आज से कितने साल पहले 19 आई गए कितने साल पहले 26 साल पहले बहन जी 26 साल पहले सोचिए हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की तरफ आ गए थे गठबंधन हमने किया दो पार्टी लोगों ने मिल के दो समाज के बहुजन समाज की पार्टियों ने मिल करके गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए एहन के पिन चुटिया खड़ी हो गए भैया ई का होत है ई का होत है हमार राजनीति के चौपट करे खातिर ई पहले समाज में गड़बड़ी फैलाए खातिर सांस्कृतिक कैसे गड़बड़ी फैलौने बहनी कि जैसे मेला वेला तुहन जाए में कुंभ नहाए के गड़ला के गड़ला कौन कौन घर लाल हुआ उसके पूर्णिमा के भाई काली पूर्णिमा है के जाई नहाए गड़ाई में तोहन कौन बहुत लोग अभी कुछ हाथ उठ रहा है बहुत अच्छी बात आदमी लोगों में तो खैर उठ ही रहा है मैं जो बातें बोलती हूँ आज वो सारी बातें नहीं बोली बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि मैडम जी जो है कुछ बोलिए लेकिन जो सांस्कृतिक बात मैं कर रही हूँ समाज के 5 अंग रहल शिक्षा के चौपट कहीने समाज के चौपट कहीने राजनीति पे तोड़ फोड़ कह देने अब ही सांस्कृतिक पे आई जा सांस्कृतिक कैसे चौपट कहीने कि तुम कह तुमने कि चला कुंभ चला नहाए ये लड़का जब नौकरी करे खातिर जाइए वही नौकरी परीक्षा देवे जाइए तो सरकार के पास अरे ला भैया लड़का खोवे लगल बड़ी रैली के बड़ा मलाई हो गई ला भैया अरे बाबू अरे बाबू मैं देखो किसका बच्चा है बाबू रुक जा किसका बच्चा है जेकर लड़का हो रहा है के ले जाए बाबू यहाँ बैठो आओ जेकर लड़का खो गया हमारे पास आए के ले ले हमारे पास कोई लड़का ना हम लेके चल जाए पहले मैं बता दे सही बताओ
और वही लड़का के अगर इंसान बनाना चाहती हो तो मत आइया, हम वैसे चल जाएगी सिर्फ पढ़ाई में काट दिए, हम अफसर कलेक्टर बने ओकरे बाद एक देश का प्रोग्राम मंत्री बना हो जाए, ठीक है ना। हम बहुत प्लानिंग के साथ आप लोगों के बीच में आ रहे हैं भैया, प्लानिंग के साथ है की व्यवस्था परिवर्तन करे खातिर आए हैं। आप लोगों के कहल गया चला कुंभ नहावा नहाए से मोक्ष मिला ला, एक मंदिर है सबरीमाला, दक्षिण भारत में एक मंदिर है सबरीमाला, वो मंदिर के बारे में कहल जाते है कि मेहरारू जे 14 बरस से लेके 50 बरस के मेहरारू जो है वो मंदिर में प्रवेश ना कर सके, मेहरारू चांद पे जा सके, मेहरारू दिया बन सके, मेहरारू प्रोफेसर बन सके, मेहरारू देश का प्रधानमंत्री बन सके, मेहरारू मुख्यमंत्री बन सके, लेकिन मेहरारू सबरीमाला मंदिर में ना घुस सके। ऐसा व्यवस्था बनाए वाला कोई ने कि चला कुंभ नहावा, चला कुंभ नहावा नहाए से तोहार कुल दुख दूर हो जाए, मेहरारू के मंदिर में घुसे से मंदिर अपवित्र हो जाता है, और वह मेहरारू वह नदी में डुबकी लगावती है, नदी पवित्र होते कि अपवित्र होते ही हमके पता ना चलत है। तो भैया ये बेरोजगार साथी लोग, तुम लोग जब जाते हो नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए तो ट्रेन में बस में धक्के खाते हुए जाते हो, सरकार को तब इनकी चिंता नहीं रहती कि रेलवे की परीक्षा निकली है, बैंक की परीक्षा निकली है, भर्ती निकली समूह गा की, तो इनके लिए फ्री में बस और ट्रेन का इंतजाम कर दे, क्योंकि सरकार को ये पता है कि तुम लोग मूर्ख हो, आपको नहाने के लिए सरकार ने फ्री बस चला के रखी है कि चला चला नहाए चला, ये प्लानिंग चलती है सांस्कृतिक रूप से चौपट करे के प्लानिंग चलती है। हम छोट छोट रही अपन गांव जाकर रही, हम कहीं दूसर जगह का रहे वाला ना है भैया, तोरे बहनी बिटिया है, हमारे गांव यही अम्बेडकर नगर के लगे है, आजमगढ़ से थोड़ा सा आगे बढ़ा अम्बेडकर नगर आजमगढ़ के बॉर्डर पे हमारे गांव, हम छोट छोट रही बहनी तो हमारे आजी अजी का देखत रही की कबो कबो पूजा पाठ ना करत रही, वो कढ़ाई उढ़ाई भले चढ़ावत रहनी लेकिन तोरे जाए के कुछ कढ़ाई उढ़ाई चढ़ाए के पूरी उड़ी चढ़ाई के चढ़ी और तुम्हें या तो पीपल उपल के तोरे जाए के। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।